क्ले बैम्बू ब्रिक ट्रैक्टर रेस। काशी नाम के एक गांव में बद्री, विष्णु, शिवा नाम के तीन दोस्त हुआ करते थे। बद्री, विष्णु दोनों अमीर घर के बच्चे थे, फिर भी दोनों शिवा के साथ बिना कोई भेदभाव के मिलजुल कर खेलते थे। तीनों का मिलकर रहना बद्री के मामा जित्तू को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार तीनों खेल रहे थे, तभी जित्तू उनके पास आकर शिवा से, ए शिवा, मैंने कितनी बार तुम्हें बच्चों से खेलने के लिए मना किया था, देखो एक और बार इनके साथ घूमे तो अच्छा नहीं रहेगा, तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, कहा बद्री तब। मामा, आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? हरदम हम खेलते वक्त बीच में आकर मजा खराब करते हो, एक और बार ऐसे किए तो तुम्हारे सारे काले करतूत माँ और पिताजी को बोल देंगे। यूँ कहते ही जित्तू गुस्से से वहाँ से चला गया। उसके बाद जित्तू अपने दोस्त विज्जू से, रे भाई, ये बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और ऊपर से मुझे धमका रहे हैं, कुछ भी करके इन्हें उस शिवा से दूर करना होगा, मगर क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, कहा विज्जू तब। उसके लिए ज्यादा क्या सोच रहे हो, उस शिवा को पकड़कर दोस्ती छोड़ने के लिए क्या लेगा पूछेंगे और उसे वो दे देंगे, बस वो कभी अपने आड़े नहीं आएगा, कहा। जित्तू को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। एक बार शिवा के पास जित्तू और विज्जू गए। शिवा से जित्तू, शिवा, तुम हमारे बच्चों के साथ फिरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर मजबूरी है, वैसे हमारी हैसियत क्या और तुम्हारी हैसियत क्या है, देखो तुम्हें क्या चाहिए बोलो, वो दे देंगे, मगर उसके बाद तुम्हें हमारे बच्चों से नहीं मिलना चाहिए, कहा शिवा तब। ठीक है भाई, आपके बच्चे बहुत महान हैं, यू कह रहे हो ना, और हैसियत की भी बात किए, दम है तो उन्हें मेरे मिनी ट्रैक्टर रेस में भाग लेके जीतने के लिए कहो, वो भी पूरे गांव वालों के सामने जीतने कहो, कहा जित्तू तब। तुम अपने आप को महान समझ रहे हो क्या, तुम तुम्हारे पिता के ट्रैक्टर को चलाते होंगे, मगर हमारे बच्चे घर में मिनी रेस कार चलाते हैं, पता है क्या, मेरे पास अब ट्रैक्टर खरीदने जितने पैसे नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करके एक रेस का आयोजन करके रहूंगा, तब जीतकर तुम्हारा हुनर दिखाओ, कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद जित्तू अपने दोस्तों से पैसे कर्ज लेके उन पैसों से क्ले, बैम्बू और ब्रिक मिनी ट्रैक्टर्स बनवाया। उसके बाद एक दिन बद्री और विष्णु को बुलाकर शिवा के बारे में झूठी बातें बोलकर चुगली किया। ये सब सुनकर बद्री, क्या मामा, आप सच कह रहे हैं, वो शिवा हमारा दोस्त बनकर हम बेकार है कहकर नीचा दिखाएगा क्या, देखते रहो, हम उसे हमारी ताकत दिखाएंगे, कल ट्रैक्टर रेस में हम जीतकर आपकी इज्जत बचाएंगे मामा, अब से कभी भी उस शिवा के साथ नहीं घूमेंगे, उस शिवा की इज्जत लोगों के सामने निकाल देंगे, कहा। ये सुनकर जित्तू खुश होकर उनकी प्रशंसा करने लगा। थोड़े दिनों के बाद जित्तू गांव वालों को बुलाकर क्ले, बैम्बू, ब्रिक ट्रैक्टर रेस का आयोजन किया। उसे देखने के लिए गांव वाले आए, लोग तालियां मारने लगे। शिवा, विष्णु, बद्री तीनों अपने ट्रैक्टरों को चालू किए, एक दूसरे से तेज ट्रैक्टर चलाने लगे। ये देखकर लोग तालियां मारने लगे। बद्री और विष्णु को रफ्तार बढ़ाते देख शिवा भी रफ्तार बढ़ाने लगा। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद शिवा के गाड़ी में कुछ गड़बड़ होने के कारण वो ट्रैक्टर धीमा हो गया। बद्री, विष्णु तेजी से विंडिंग लाइन के पास पहुंचे, मगर उसे पार करे बिना वहीं रुक गए। बाद में शिवा बहुत धीरे से आकर उस लाइन को पार करके रेस जीत गया। ये देखकर लोग तालियां मारने लगे। जित्तू बद्री और विष्णु के पास आकर, तुम सटिया गए हो क्या, मैंने जानबूझकर उसे खराब ट्रैक्टर दिया तो तुम विनिंग लाइन के पास रुककर उस शिवा को जितवाए, कहा बद्री तब। देखो मामा, हम तीनों को टीवी में आने वाले रेसों में भाग लेने का बहुत शौक था, मगर घर में बताए तो रेस रखेंगे नहीं ना, इसलिए जब तुम बकरे के जैसे आकर शिवा को छेड़े तब हम तीनों को इस रेस का आइडिया आया, हम तीनों बात करके शिवा से रेस चैलेंज के लिए तुम्हें उकसाए, तुम मछली के जैसे हमारे जाल में फंसकर रेस का आयोजन किए, नहीं तो क्या, हमारे दोस्ती को तोड़ना चाहते थे, जाओ जाओ इस रेस के लिए करे सारे कर्ज अब चुकाओ, एक और बार कर्ज किए कहकर दादाजी को पता चला तो तुम्हारी धुलाई करेंगे, कहा जित्तू तब।
बाप रे बाप, तुम बहुत खतरनाक हो। तुम्हारे वजह से मुझे 5 लाख का नुकसान हुआ। अच्छे से रेस खेले ना, जाओ टिफिन भी है, अच्छे से खाकर चॉकलेट खरीद कर घर जाओ। एक और बार तुम्हारे गांव आया तो मुझे चप्पल से मारना। कहकर वहां से चला गया। ये देखकर शिवा, विष्णु, बद्री हंसने लगे।